Hello everyone, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. Today we have with us Mr. Ramesh Hinduja. Inka age hai 70 years. Ye 3 mahine pehle 5-5 kilometer walk karte the, market jate the, apna office jate the, 2-wheeler, 4-wheeler chalate the. But he had a fall 3 months back in which inka T12 vertebra fracture ho gaya. और उसके बाद लोकली ही टू ट्रीटमेंट बेड रेस्ट लिया कैल्शियम के मेडिसिन लिए बट वो फ्रैक्चर हील नहीं हुआ और इनका फ्रैक्चर आज हील ना होने के कारण इनको कमर से लेके पैरों में काफी तकलीफ है और ही कैन नॉट इवन सिट मतलब करवट मोड़ना इनके लिए पेनफुल है उठ के बैठना पेनफुल है चलना तो बहुत दूर की बात है ये चल ही नहीं पाते सो ही इज इन बेड फॉर लास्ट 3 months सो वी डिड इज X-rays, MRIs and CT scans, which I will show you, जिसमें ये fracture दिख रहा है। तो tomorrow we are going to do his surgery. आपको क्या तकलीफ होता है, Mr. Hinduja? मैं turn नहीं कर सकता। हाँ। चल नहीं सकता। दो में back भी नहीं सकता। कहाँ दर्द कहाँ होता है आपको? ये back में और ये hips में। तो आप 3 महीने हो गया खड़ा रहके चले ही नहीं आप? नहीं। आप चल नहीं पा रहे? नहीं। आप क्या condition है इनका अभी? पहले तो बहुत चलते थे 4-5 किलोमीटर वॉक भी करते थे ओके और 4-wheeler वगैरह चलाते थे सब बाहर जाते थे पर कितने महीने पहले की बात है ये हुआ मार्च में ओके 4 महीने हो गए ओके पर एक बार घर में गिर गए उनको टेबल का सामना किया गया फ्रैक्चर हुआ फिर आंखों को दिखाया था पर चालू है ट्रीटमेंट बट स्टिल इज इन पेन अभी तक वो बैठ ही नहीं सकते 2 मिनट ब्रश करने के लिए बिठाते हैं तो भी बहुत तकलीफ होती है ओके बाकी पूरा दिन बेड में ही है सो 3 महीने हो गए इज कंप्लीटली इन बेड ही कैन नॉट सिट कैन नॉट स्टैंड कैन नॉट वॉक और करवट मोड़ना भी काफी पेनफुल है करवट भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है चलो कल ऑपरेशन करेंगे लेट्स होप फॉर द बेस्ट ठीक है चल हेलो सो ये मिस्टर हिंदुजा का सीटी स्कैन है और ये एमआरआई है अगर आप देखेंगे तो ये उनका ब्रेन है और ये पूरा स्पाइनल 33 वर्टेब्राज है ये उनका चेहरा है ये छाती है ये पेट है सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है L1 वर्टेब्रा नॉर्मल वर्टेब्रा ऐसे चौकोर होता है यू कैन सी और दो हड्डियों के बीच में यहाँ पे डिस्क होती है जिसका काम कुशनिंग का होता है यहाँ पे इनको एक ओल्ड फ्रैक्चर है बट उनका आज का प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्चर अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके बीच में लेफ्ट ये हील नहीं हुआ है और ये दूसरा फ्रैक्चर और नीचे के वर्टेब्रा वापस स्क्वायर है इसका अगर हम एमआरआई स्टडी करेंगे तो एमआरआई में हमको एडिशनल सॉफ्ट टिश्यू इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि ये देखो ये इनका ब्रेन है ये ब्रेन का पूंछ मतलब स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पे ये जो फ्रैक्चर्ड वर्टेब्रा है ये नॉर्मल वर्टेब्रा सारे डेंसिटी आप देख सकते हो इनकी बट मेन इज दिस L1 वर्टेब्रा जिसमें ये फ्रैक्चर होकर वहां पे फ्लूइड जमा हो गया है एंड दैट डजंट लेट दैट फ्रैक्चर हील और जब भी ये उठ के बैठते हैं तब सारे स्ट्रेसेस इस पर आकर ये फ्रैक्चर हील नहीं होता और इसके ऊपर जोर पड़ने के कारण उनको कमर में काफी दर्द होता है Now we have operated Mr. Hinduja or we have done an OAM and navigation guided spinal fixation surgery and decompression surgery. ये एक 1.5 घंटे का surgery था इसमें हमने क्या किया ये जो fractured vertebra है इस fractured vertebra को हमने ऊपर 3 level और नीचे 2 level और fractured level में भी screws डालकर इसको एक support ले लिया है और इससे इनके स्पाइन में अच्छी स्टेबिलिटी आई है वी हैव यूज्ड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हियर दैट गिव्स गुड एडिशनल स्टेबिलिटी टू द स्पाइन एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल हैव अ वेरी गुड रिकवरी एंड ही कैन लीड अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ थैंक यू वेरी मच